जब मैं कॉलेज में थी मुझे नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा और भी रोल्स हैं टेक इंडस्ट्री में। ना ही मुझे किसी की इंपॉर्टेंस पता थी, ना ही मुझे सैलरी पता थी कि सैलरीज कैसे डिफरेंट है या क्या क्या स्किल सेट चाहिए उस डिफरेंट रोल को अप्लाई करने के लिए। और मैंने देखा कि काफ़ी कंपनीज हमारे कॉलेज में आ रही है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं डेवॉप्स के लिए या फिर टेस्टर के लिए हायर कर रही है। जब तक मुझे उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता था मैं उसमें अप्लाई ही नहीं करती थी। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि इस वीडियो में हम दो रोल्स कवर करेंगे इस टेक इंडस्ट्री में जो कि है डेवॉप्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। Hi guys, my name is Nancy. Welcome back to my YouTube channel. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DevOps versus software engineers. इनमें क्या क्या differences है। So what are DevOps engineers? जब भी हम कोई कोड लिखते हैं वो अगर सर्वर पे जाके नहीं चल रहा है तो हम सोचते हैं शायद सर्वर में कुछ इशू है, तो फिर हम ऑपरेशन टीम्स के पास जाते हैं कि हमारा कोड चल रहा है लोकली बट जब भी सर्वर पे जा रहा है ये रन ही नहीं हो रहा है। फिर ऑपरेशन टीम जाके चेक करते हैं, उनको लगता है यार सर्वर तो सही चल रहा है, कोड में ही इशू है जो तुम डाल रहे हो। तो अब इस ब्लेम गेम को खत्म करने के लिए, इस गैप को खत्म करने के लिए डेवॉप्स इंजीनियर्स बनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो भी कोड लिख रहे हैं वो कभी क्रैश ना हो सर्वर पे, उसके लिए जो कोड लिखते हैं वो डेवॉप्स टीम लिखती है। डेवॉप्स को अगर कभी भी बग दिखता है हमारे कोड में तो वो इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक डेवलपर टीम को वापस भेज देते हैं कि इस कोड में ये बग है, ये इशू है, इसको फिक्स करके तुम कोड हमें वापस दो। DevOps मेक श्योर करते हैं कि हमारे सर्वर्स कभी क्रैश ना हो और दे कैन स्केल अप एंड स्केल डाउन डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द यूजर। जो स्टार्टअप्स होते हैं वो जनरली एक ही पर्सन को हायर करते हैं जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी रोल निभा सके और वो DevOps का भी रोल निभा सके। बट जो बड़ी बड़ी MNCs होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, इनमें प्रॉपर टीम्स होती है DevOps की। तो ये एक डिफरेंस है जो एक स्टार्टअप में और हम एक बड़ी MNC में देख पाते हैं DevOps रोल के लिए। अब हम बात करेंगे इस रोल के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए और इसकी सैलरी रेंज क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्किल्स क्या क्या चाहिए। स्किल्स हमें चाहिए AWS, CI/CD, लिनक्स, Jenkins, Docker, Kubernetes। ये सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए अगर आप DevOps इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसकी सैलरी रेंज आ जाती है अगर हम MNCs में अप्लाई कर रहे हैं जैसे Apple, Salesforce, etc. उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 16-20 LPA मिल सकता है। अगर हम बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी की जैसे विप्रो, TCS, इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 3-6 LPA मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो कोड लिखते हैं, कोड के साथ साथ वो उसको डिज़ाइन भी करते हैं, उसकी डेवलपमेंट भी देखते हैं और साथ के साथ ये तक देखते हैं कि वो कोड आगे कैसे मेंटेन करना है। आसान शब्दों में बताएं तो किसी भी प्रोडक्ट के एक आइडिया से उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक सारा काम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही देखता है। हमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होती है कि अगर जैसे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं हमें पता है, हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम कोई गेम के लिए कोई फीचर निकाल रहे हैं या हम कोई AI को यूज करके कोई फीचर निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर हम किसी नेटवर्किंग वाली साइड काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली डिफाइंड होती है कि हमारा काम क्या है और हमारा यूज केस क्या है उस काम का। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, वो वीडियो पूरी डिटेल में उसमें पर्क्स सारे काम मैंने बहुत अच्छे से बता रखे हैं, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए और इसकी सैलरी रेंज क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल्स की। स्किल्स के लिए हमें सबसे पहले किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमें हमारी कमांड होनी चाहिए, या तो C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये स्किल्स DSA करने से आते हैं, जितना ज़्यादा DSA करेंगे हम प्रैक्टिस लीड कोड या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उतना हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगा। तीसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो होते हैं डेवलपमेंट स्किल्स, यानी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाते हैं जब भी अपने रिज्यूमे में डालने के लिए, उसमें जो डेवलपमेंट लगती है उसका एक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि कल को तुम डेवलपमेंट करो अपनी कंपनी में तो अगर तुम्हें कुछ बग या इशू या एरर दिखे तो तुम्हें आइडिया हो कि चीज़ अगर कहाँ से हम इसको पता लगा सकते हैं चीज़ ठीक होगी, कैसे स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ कर सकते हैं, कैसे ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी की। अब सैलरी जो होती है वो कंपनी टू कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इस रोल के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो तुम्हें 50 LPA से 1 CR तक दे सकते हैं एज अ फ्रेशर,
और काफी MNCs है जो तुम्हें शायद 1 CR ना दे पाए, बट वो तुम्हें एक अच्छा पैकेज दे सकती है अराउंड 20-50 LP। और कुछ आती है सर्विस बेस्ड कंपनीज जो तुम्हें देती हैं कि 3-6 LPA के बीच में तुम्हें दे देती है इजिली इस रोल के लिए। अगर मैं MNCs की बात करूँ तो आ जाता है जैसे फैंग की कंपनीज आ जाती है, और हम अगर स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो जैसे रिपलिंग आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आ जाता है। ये अच्छे अच्छे पैकेजेस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ फ्रेशर भी। अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो आ जाती है हमारी TCS, विप्रो, ये जो कंपनीज होती है 3-6 LPA सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे देती है। That's all for this video. I hope आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। Till then, please like, share and subscribe. Bye.